कोरोना वैक्सीन। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नमस्ते रियल न्यूज़ पे। आज का टॉपिक हम सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस कोरोना काल में पूरी दुनिया महामारी के चपेट में है, सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से। दुनिया के सारे छोटे बड़े देश कोरोना की वैक्सीन के खोज में लग गए हैं। अमेरिका ने भी इस पर रिसर्च शुरू कर दी है। भारत भी वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में ये खबर मिल रही है चाइना में कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन बिना वैक्सीन के ये संभव नहीं है। तो चाइना में ये सब कैसे संभव हुआ? पूरी दुनिया को शक है कि चाइना ने वैक्सीन बना ली है और वो दुनिया से इसे छिपा रहा है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश कोरोना पे काबू नहीं कर पाया, तो चाइना ने बिना वैक्सीन के ये सब कैसे कर लिया? ये एक गंभीर सोच का विषय है। और दुनिया में सबसे पहले चाइना में ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने पे काम शुरू हो गया था। चाइना की गवर्नमेंट ने अपने सारे साइंटिस्ट की टीम को कोरोना वैक्सीन की खोज में लगा दिया था। इससे इस बात की पूरी संभावना है कि चाइना ने कोरोना वैक्सीन बना ली है। और वैसे भी चाइना की पुरानी आदत है, वो अपने सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दुनिया से छिपाता है। ऐसे में दुनिया के बड़े देशों की नज़र चाइना पे है, जैसे कि फ्रांस, अमेरिका, रशिया और भारत। अमेरिका ने तो अपने सैटेलाइट की मदद से चाइना की जासूसी भी शुरू कर दी है। आज पूरी दुनिया खतरे में है, तो सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से। ऐसे में चाइना को दुनिया की मदद करनी चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए, बजाय इसके चाइना पूरी दुनिया को धमका रहा है। ऐसे में सारे छोटे बड़े देश चाइना से व्यापार का रिश्ता ख़त्म कर भारत में आना चाहते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए योगी सरकार ने विदेशी कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है। संभवतः भारत की ग्रोथ और कोरोना पे जीत हमें जल्दी मिल जाएगी, लेकिन ये सब आपके साथ के बिना संभव नहीं है। हम सबको सावधानी बरतनी है और जब तक ज़रूरी ना हो हमें बाहर नहीं निकलना है, और लोगों से दूरी बनाए रखनी है, और हमारे आसपास हमें स्वच्छता बनाए रखनी है। इस बात का ख्याल रखना है और कोरोना की जंग में हमें मिलकर कोरोना को हराना है। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज के लिए इतना इन्फो काफ़ी है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके कुछ सुझाव या सवाल होंगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।